ओके, लाइव है हम सभी दोबारा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। दोबारा लाइव है हम लोग, क्लियर है, लाइव आ चुके हैं, तो फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये वाला लिंक है, सभी क्लासमेट्स तक इस लिंक को शेयर कर दीजिए। ओके ओके, जुड़ रहे हैं, 6 बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक, फटाफट से सभी जुड़ जाए। एक बार सभी अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए कि हम लोग क्लियर है, दोबारा शुरू कर रहे हैं। हाई, हेलो, ओके ओके ओके, जतिन शर्मा, हेलो ब्रो, पता नहीं कौन है जतिन, ठीक है, लेकिन हेलो। चले फटाफट से शेयर कर दे बेटा, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, उतना जल्दी शुरू कर लेंगे क्योंकि 11 बज चुके हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करें हम लोग। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ओके, मूविंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेरे ख्याल बोर्ड क्लियर होगा, आपको विजिबल है। ओके, हम लोग लाइकन्स कंप्लीट कर चुके थे, लाइकन्स चैप्टर नंबर 2 का एंड हमने छोड़ा था। ठीक है, लाइकन्स से पता था अल्गल कंपोनेंट होता है और फंगल कंपोनेंट होता है। एक सेकंड, मैं भी लिंक तक पहुंच दूँ कम से कम, सो दैट मैं भी आप लोगों को देख पाऊंगा। एक सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके चले चलो चलो चलो। ओके सो बेटा, हम लोग अलगल और फंगल कंपोनेंट की बात कर रहे थे। अलगल कंपोनेंट क्या होता है? फाइकोबायम। एक सेकेंड, पेन हमारा कहाँ गया? हम लेंगे ग्रीन पेन, ब्लू पेन और चलो। अलगल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट, अलगल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट। अलगल कंपोनेंट को फाइकोबायंट कहते हैं, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट कहते हैं। ठीक है, अलगल कंपोनेंट याद रखना ऑटोट्रॉफिक होता है और फंगल कंपोनेंट हेटरोट्रॉफिक होता है। अलगल कंपोनेंट से फूड प्रिपेयर करने का यूज करते हैं, और ये क्या काम करता है भाई? मिनरल वगैरह अब्सॉर्ब करके देता है, कम से कम कुछ तो करूं मैं भी, तो ये सारा मिनरल वगैरह। मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा। ओके, मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा, न्यूट्रिएंट H2O एंड शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट मूवमेंट टू द प्लांट किंगडम। सभी बच्चे फटाफट से, प्लांट किंगडम शुरू हो चुका है। प्लांट किंगडम जो बच्चे डाउट वाले थे फटाफट से देखेंगे बेटा, प्लांट किंगडम शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन सिंपल सा है, 5 अपना वो कैटेगरीज पढ़नी है, 5 डिविजन पढ़नी है, एल्गी, ब्रायोफाइट, पेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनसे सवाल आएगा पेपरों में। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लोस लीनस, पहला आंसर यही है आपका। किसने दिया था? कार्लोस लीनस ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अभी तक 3-4 बार तो ले ही चुका हूँ। ठीक है, 3-4 तो टॉपिक में ले चुका हूँ, बाकी ऐसे कई बार इसका नाम मैं ले चुका हूँ। ठीक है, चार्जिंग पोर्ट कनेक्ट करूँगा कहीं बीच में, हम लोग अटैच करने का। आओ चलो, आओ चले, हम चले, हम चले। अरे बेटा सब अभी कराएंगे, आप रहो, आओ आओ बेटा आओ। चले बेटा, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में बात करी होगा किसके, वेजिटेटिव कैरेक्टर पर बेस्ड होगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है? प्लांट के पार्ट्स वगैरह से रिलेटेड होता है। ठीक है, एंड्रोशियम का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहा है, इसलिए इसको सेक्सुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वो हमें मॉर्फोलॉजिकल, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर समझ नहीं आएगा। बेटा देखो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं देखते ही हमें दिख जाए। ठीक है, प्लांट को देखते ही आपको क्या क्या दिख जाता है? रूट, शूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब चीज़ें दिख जाती है। तो देखते ही जो चीज़ें दिख जाती है उस बेसिस पे इसने क्लासिफाई किया था, इसलिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था आर्टिफिशियल सिस्टम, इसी को सेक्सुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक का सवाल होता है कि इसने इक्वल वेटेज दे दिया था किसको? वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को। वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देने की वजह से ये सिस्टम फेल हो गया था। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर ईजिली अफेक्ट हो जाता है एनवायरमेंट से। क्लियर है? अभी किसी बच्चे का डाउट था कि ग्रोथ के 2 ट्विन फीचर, बेटा चैप्टर का स्टार्ट ही वहीं से किया था, ट्विन फीचर से। ठीक है, कि ग्रोथ जो था आपका क्या था? इंक्रीज इन, ऐसा काम पेपर में मत करके आना कि हाँ इतना सब कुछ बताने का, भी ये क्या था? तो ट्विन कैरेक्टर का मतलब 2 कैरेक्टर बताना है, तो ग्रोथ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। ठीक है, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया था, किस पे बेस था? नेचुरल एफिनिटी से बेस था। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की
सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं, यानी एक्सटर्नल भी था लेकिन इंटरनल फीचर्स भी थे, जैसे कि अल्ट्रास्ट्रक्चर था, एनाटॉमी था, एम्ब्रियोलॉजी था, फाइटोकेमिस्ट्री था, खत्म हो गया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई आपसे पूछेगा कि आज की डेट में कौन सा सिस्टम वाइडली एक्सेप्टेड है, तो आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाला सिस्टम, ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशन देखा जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करते हैं इसी के अंदर, देख लेंगे फटाफट से। टेक्सोनॉमी सबको सवाल मिल सकता है। मेटाजेनेसिस, बेटा मेटाजेनेसिस आते हैं ना, सब रखो थोड़ा सा, ठीक है, क्लास में नहीं थे आप, मेरे ख्याल मेटाजेनेसिस में दोबारा भी मेटाजेनेसिस एक्सप्लेन कर दूंगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर से पता लग रहा है नंबर, इसको फेनेटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है, फेनेटिक्स अगर किसी को इंटरेस्ट है, ठीक है, फेनेटिक्स भी बोला जाता है। किस पे बेस्ड है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मतलब नंबर वगैरह पे बेस्ड होगा, ठीक है। नंबर्स और कोड्स असाइन कर देते हैं, याद रखना कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है। दो चार बातें याद रखो, कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उस पर बेस्ड होता है, नंबर कोड्स है ना, जैसे कि प्लस माइनस जीरो, इस तरीके के कोड्स असाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर क्या करता है, सेपरेट करता है डेटा को, ठीक है। कैरियो, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस टेक्सोनॉमी, ठीक है, न्यूक्लियस के बेसिस पे टेक्सोनॉमी, ठीक है, बेस्ड ऑन न्यूक्लियस एंड बेंडिंग पैटर्न, ठीक है, क्रोमोजोम के पैटर्न वगैरह पे बेस्ड, ठीक है। अब जैसे हम लोग ह्यूमन है, तो हमारे की स्पेसिफिसिटी है ना, स्पेसिफिसिटी क्या है कि 46 क्रोमोजोम से हमारे पास क्या है, 46 क्रोमोजोम 23 पेयर्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैरियो टेक्सोनॉमी। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे क्रोमोसोम नंबर एंड ऑल, ये सारी चीजें आपका क्या है, साइटोटेक्सोनॉमी में आ जाती है, ठीक है, साइटोटेक्सोनॉमी, ठीक। कीमोटेक्सोनॉमी की बात करेंगे तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कीमो साइटो और कैरियो लगभग लगभग सिमिलर, तो कुछ डिफरेंस नहीं होता है सच। कीमोटेक्सोनॉमी की बात करोगे तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो कॉमन सेंस देखो यार, जैसे अब मैं प्लांट और फंगस में बात करता हूँ, ठीक है, तो प्लांट और फंगस के बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हो। जो प्लांट है, प्लांट का सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है, लेकिन फंगस का सेल वॉल किससे बना है, काइटिन से बना हुआ है। ऐसे प्लांट के अंदर जब हम डिवीजन करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं अभी एल्गी का ही दे दूँ अगर आपको, तो प्लांट के अंदर आप जानते हैं एल्गी डिफरेंट टाइप्स की है, कोई स्टार्च स्टोर करती है, कोई आपका क्लोरीडिन स्टार्च स्टोर करती है, कोई आपका क्या नाम है, मैनिटॉल स्टोर करती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड स्टोर करती है, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे फटाफट से, नेक्स्ट आ जाएंगे इस पे चल रहे बेटा, एलगी शुरू कर रहे हैं, एलगी 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 सिंपलेस्ट प्लांट, सिंपलेस्ट प्लांट सबसे पहले सबसे आए थे, ठीक है, उन्हें एलगी कहते हैं, उन्हें कहते हैं एलगी, ठीक है। एलगी सिंपलेस्ट प्लांट थे, क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सिंपल सिंपल थैलॉइड, सिंपल थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब, थैलॉइड का मतलब क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो इनके पास आप जानते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कोई हाइट वगैरह तो होती नहीं, स्टेम लीफ रूट, बॉडी अनऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, बॉडी में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में बेटा फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल होता है, ठीक है, हाईली वेरिएबल का मतलब है अलग अलग साइज अलग अलग फॉर्म्स में मिल सकती है, ठीक है। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यूनिसेलर भी होते हैं, मल्टीसेलर फॉर्म्स भी होती है, यूनिसेलर से मल्टीसेलर फॉर्म्स भी होती है। यूनिसेलर फॉर्म आप याद रखेंगे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास याद रखेंगे यूनिसेलर फॉर्म होती है, कॉलोनियल फॉर्म याद रखेंगे वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स क्या है बेटा, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है, वॉलवॉक्स क्या है, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है, वॉलवॉक्स क्या है, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है। फिलामेंटस फॉर्म क्या होती है, यूरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, फिलामेंटस फॉर्म क्या होती है, यूरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, फिलामेंटस फॉर्म यूरोथ्रिक्स यानी फिलामेंट के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी जब देखा जाएगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे ये याद रखेंगे आप लोग, मैंने आपको मूवमेंट के विषय चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड, रिप्रोडक्शन इन एल्गी की बात करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स के थ्रू है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेंगे आइसो एनाइसो ओगैमस, अगर गैमेट्स जो है सिमिलर है, गैमस का मतलब गैमेट्स, आइसो मतलब सेम, सिमिलर गैमेट्स है तो आइसो गैमस कंडीशन बोलोगे, एनाइसो गैमस क्या बोलोगे, डिसिमिलर गैमेट्स है, डिसिमिलर इन साइज है। ओगैमस का क्या मतलब बताया था, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, मेल मोटाइल होगा फीमेल इमोटाइल, एम से मेल एफ से मोटाइल, ठीक है, मेल छोटा होता है फीमेल बड़ी होती है, तो ऐसा वॉलवॉक्स प्यूकस पॉलीसिफोनिया, वॉलवॉक्स प्यूकस पॉलीसिफोनिया। रेड एल्गी तो सब में ओगैमस होता है, तो आंख बंद करके आंसर मार देना अगर भूल भी जाते हो, तो रेड एल्गी तो पूरा का पूरा ओगैमस है। एनाइसोगैमस की बात करोगे तो कुछ कुछ स्पीसीज होती है एनाइसोगैमस, जैसे क्लेमाइडोमोनास, इसके अलावा आप याद रखोगे यूडोरिना, यूडो याद रखोगे यूडोरिना, यूडोरिना इसका एग्जांपल है, यूडोरिना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, याद रखना। फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस में फ्लैजेलेटेड कंडीशन, आइसोगैमस है लेकिन फ्लैजेलेटेड है दोनों के दोनों, क्लेमाइडोमोनास एग्जांपल, तो दोनों का हो सकता है, हाँ क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग स्पीसीज होती है बेटा, क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग स्पीसीज होती है, तो क्लेमाइडोमोनास दोनों में आ सकता है, ठीक है, किसी को अगर ऐसा लग रहा हो तो। आइसोगैमस में नॉन फ्लैजेलेटेड कंडीशन भी होती है, आइसोगैमस में
नॉन फ्लैजेलेटिव कंडीशन में कौन आता है, स्पायर वगैरह आता है, ठीक है, आइसोक्रोमस में नॉन फ्लैजेलेटिव कंडीशन स्पायर वगैरह आता है, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में देख लोगे तो बेटा नाम से ही पहला पॉइंट लिखेंगे, ग्रीन होता है, यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस फॉर्म होती है, क्लोरोफिल ए और बी होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड प्लेट लाइक रेडिकुलेट कैसा भी हो सकता है, वन और मोर स्टोरेज बॉडीज होती है इसके पास, स्टोरेज बॉडी को पायरेनोइड्स कहते हैं, पायरेनोइड्स क्या क्या स्टोर करता है, प्रोटीन और स्टार्च स्टोर करता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, पॉइंट याद रखेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो आइसो एनाइसो ओगेमस, आइसो का मतलब सिमिलर गैमेट्स है, एनाइसो का मतलब डिसिमिलर गैमेट्स है, ओगेमस का मेल और फीमेल, मेल कैसा होगा बड़ा होगा, फीमेल कैसी होगी छोटी होगी, ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपकी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा है, ठीक है। कॉमनली इसको क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल्स हैं, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, ठीक है, यूडोरिना, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कारा इनमें से बता दिया था मोनोशियस होता है, ये पॉइंट याद रखिए, कारा मोनोशियस का क्या मतलब होता है, मेल एंड फीमेल गेमेट के लिए आपको बता दिया था कि अगर डिफरेंट उसमें है तो आप डाइशियस बोलोगे, एक ही में है तो क्या बोलोगे मोनोशियस बोलोगे, एक ही प्लांट में मोनोशियस है। फेओफाइस के ब्राउन एल्गी को बोला जाता है। अच्छा यहाँ पे स्टोर्ड फूड क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टोर्ड फूड क्या होता है, दो चार पॉइंट और सुनने के, स्टोर्ड फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। इसके अलावा अगर फ्लैजेला की बात होगी तो 2 से लेकर 8 तक फ्लैजेला होता है, 2 to 8 फ्लैजेला होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं, एपिकल का मतलब टिप पे होना बेटा, एपिकल का मतलब टिप पे होना। इसके अलावा हैबिटेट की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर में भी रहता है, ब्रैकिश वाटर में भी रहता है, मेनली कहाँ मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर में मिलेगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी इसके पास जनरली देखा जाता है, जेंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइव इधर आ जाएगा फेओफाइसी बेटा, फेओफाइसी में देखो ये ब्राउन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी में पिगमेंट्स की पहले बात कर देता हूँ, क्लोरोफिल ए होता है और यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे बी नहीं होता है, यहाँ पे सी होता है बेटा, क्लोरोफिल ए सी कैरेटोनॉइड फाइकोबिलिन्स, क्लोरोफिल ए बी ए और सी कैरेटोनॉइड्स, साथ में सी से देखो सी भी आता है और कैरेटोनॉइड्स भी आता है, तो याद रखो कि सी वाला इसमें आता है, जेंथोफिल्स आता है। इसके अलावा फ्यूकोक्सेंथिन एक पिगमेंट होता है इसके पास, जिसकी वजह से ब्लू शेड आता है, सॉरी ब्राउन शेड आता है, फ्यूकोक्सेंथिन, फ्यूकोक्सेंथिन की वजह से ब्राउन शेड आता है, फ्यूकोक्सेंथिन की वजह से ब्राउन शेड आता है, तो वेरिंग वेरिंग कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन से लेके अलग अलग शेड्स हो सकती है ब्राउन की, डिपेंडिंग अपॉन द जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोक्सेंथिन, जेंथोफिल पिगमेंट कौन सा, फ्यूकोक्सेंथिन, कितना फ्यूकोक्सेंथिन प्रेजेंट है उस बेसिस पर, फ्यूकोक्सेंथिन याद रखेंगे इस पर, ठीक है। फ्रेश वाटर बहुत कम मिलते हैं ये फेओफाइसी मेनली कैसे होते हैं, आपके ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर में रहने वाले, ठीक है, ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर में रहने वाले ज्यादातर होते हैं, ठीक है। आपके जो ब्राउन एल्गी है मेनली क्या होता है, ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर, फ्लैजेला इनके पास दो होता है, अनइक्वल होता है, दो के दो अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं, लेटरल का मतलब साइड बॉडी पे होते हैं, लेटरल का मतलब साइड बॉडी पे होता है। स्टोर्ड फूड कोई पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टोर्ड फूड लेमिनेरियर और मेनिटॉल, लेमिनेरियर और मेनिटॉल, ठीक है। सेल वॉल की बात करेगा तो याद रखेंगे यहाँ पे सेलुलोज और एल्जिन, अच्छा ऊपर वाले में अगर सेल वॉल की बात कर दे तो सेलुलोज से बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से, सेलुलोज और आपका पेक्टोज, ठीक है, सेलुलोज और पेक्टोज, इनर सेल्यूलोज आउटर पेक्टोज, ये याद रखोगी, इनर लेयर सेल्यूलोज से बनती है और आउटर लेयर पेक्टोज से बनती है। कोई पूछते हैं पायरेनॉइड जो स्टोरेज बॉडीज होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पायरेनॉइड कहाँ पे स्टोर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट इतना डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आप अगर सुन रहे हैं ध्यान से तो आपका आंसर निकल जाएगा, सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है, बस आपको पेपर में जाकर लिखना है, इतना ही काम रहेगा। लेमिनेरियर मेटल स्टोर होता है यहाँ पे फेओफाइसी में, अगर बात करूँ तो वेजिटेटिव सेल है, सेलुलोसिक सेल वॉल, सेलुलोज से बनी होती है और सेलुलोज के बाहर की तरफ क्या होती है, एल्जिन होता है बेटा। एल्जिन क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से, पूछा जाएगा एल्जिन क्या है, एल्जिन हाइड्रोकोलाइड होता है, एल्जिन क्या होता है बेटा, हाइड्रोकोलाइड होता है, एल्जिन क्या होता है, हाइड्रोकोलाइड होता है, एल्जिन क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है बेटा, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, कहीं पे लिख लोगे, हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, हाइड्रोक्लोराइड क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, तो एल्जिन भी क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है, एल्जिन को बनाता कौन है, ब्राउन एल्गी बनाता है, खत्म हो गया। इतना ही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोक्लोराइड का एग्जाम्पल बताओ तो एल्जिन, ठीक है, एल्जिन कौन सी एल्गी बनाती है तो ब्राउन एल्गी बनाती है, एल्जिन कौन सी एल्गी बनाती है तो ब्राउन एल्गी बनाती है, खत्म हो गया, ठीक है। आ जाओगे यहाँ पे, इनकी बॉडी की अगर देखोगे तो बताया था आपको कि सबस्ट्रेटम, होल्ड पास और स्टॉक के बारे में, सबस्ट्रेटम जिससे जुड़ना है, होल्ड पास जो जोड़ेगा और स्टॉक, और क्या होता है एक आपका फ्रॉन्ड होता है, क्या होता है फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है इसके अंदर, ठीक है। कॉमन फॉर्म्स की बात करोगे तो एक्टोकार्पस, मैक्रोसिस्टिस, डिप्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गसा, फ्यूकस, एक बार स्ट्रक्चर सबके देख लोगे जो जो एनसाइटियम बना हुआ है, हो सकता है डायग्राम देखिए आपसे कई बार पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं रोडोफाइसी पे, इनको रेड एल्गी बोला जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऊपर वाले में बेटा सेम वही सारी कंडीशन लगेगी, चिपका लोगे, ठीक है। यहाँ पे सुन लोगे रोडोफाइसी में थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे आर फाइको एरिथ्रिन नाम का एक पिगमेंट होता है, इसके अलावा ए और डी पिगमेंट, ए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी, इसके अलावा आर फाइको एरिथ्रिन होता है इनकी बॉडी में, फूड फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च से सवाल क्या आता है, इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है, तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, प्रीवियस ईयर सवाल है, अभी 1-2 साल पहले पूछा गया था नीट में भी, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ठीक है। रेड एल्गी यूजुअली कैसे, वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से करती है, फ्रेगमेंटेशन किसका, रेड थाली, रेड थाली, रेड थाली क्या होता है, जो उसका थैलस है, थैलस को बोलते हैं रेड थाली, ठीक है, रेड एल्गी का थाली, रेड थैलस, उसका फ्रेगमेंटेशन से नया एल्गी बना लेती है, ठीक है। नॉन मोटाइल, अब ये याद रखना है, ये आप लिख सकते हैं हर में चिपका ले, इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम और लीफ एब्सेंट होता है, रूट स्टेम लीफ जैसी कोई चीज नहीं होता, ठीक है।
इज एक्चुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, एक्चुअली बाय नॉन मोटाइल गेमिंग्स। नॉन मोटाइल गेमिंग्स यहाँ पे सारे के सारे गेमिंग्स क्या आते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो, सब नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली किससे करता है, ओगैमस से करता है। ओगैमस के सारे एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पे, पॉलीसोफोनिया, पोर्फायरा, ग्रेसिलेरिया, जेनेडियम। ग्रेसिलेरिया और जेनेडियम जान सुनेंगे, ग्रेसिलेरिया जेनेडियम के बारे में सुन लेंगे, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेसिलेरिया एंड जेनेडियम अगार, अगार क्या बनाते हैं, अगार अगार जेनेडियम और ग्लेसिलेरिया बनाते हैं। और यानी आपसे पूछ जाएगा अगार क्या बनाते हैं, रेड एल्गीज बनाती है। कौन बनाती है, रेड एल्गी। अगार का यूज कहाँ पे होता है, आइसक्रीम जेली ये सब बनाने में और बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, ठीक है। दो यूज बता रहा हूँ इसके, एक आइसक्रीम जेलीज बनाने के लिए और एक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, बैक्टीरिया का कल्चर कराने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा रेड एल्गी पर दो चार पॉइंट और सुन लेंगे। रेड एल्गी में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा जाता है बेटा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, गेमिट्स का फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात कर दूँ जो आपकी रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी में क्या नाम है, डीपेस्ट सेल इनको बोला जाता है। इन जनरल कभी CYQE है, ये AIPMT में सवाल पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि डीपेस्ट सेल की कौन सी है ना, यानी जितना जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती वहाँ तक भी एलगीज रहती है, ठीक है। तो रेड एलगीज है, ठीक है। एक कुछ बच्चों का सवाल था बैट्रैकोस्पर्मम के बारे में, बैट्रैकोस्पर्मम एक एग्जाम्पल है इसका, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ जाता है कभी 2003 के 4 के पेपर में पूछा हुआ है, ये नीट के पेपर में, ठीक है। तो ये रेड एल्गी होती है लेकिन रेड कलर की नहीं होती, ठीक है, अलग होता थोड़ा सा ये, ठीक है। फ्रेश वाटर एल्गी होती है, बाकी मोस्टली क्या होती है, रेड एल्गी भी आपकी मराइन वाटर में रहती है, इनके पास फ्लैजेला एब्सेंट होता है। ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ ये ऐड कर देंगे तो आपके मार्क्स ही बढ़ेंगे, कुछ और नहीं होगा इससे, ठीक है। फ्लैजेला एब्सेंट होता है, स्टूड फूड किसके फॉर्म में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, बताइए, ठीक है। ब्रायोफाइट्स का होता है, ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्क्युलर, नॉन वेस्क्युलर का मतलब कीवर्ड दिया हुआ है क्लास में, ये ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि 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 रहते तो लैंड पे है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंडेंट होता है, वाटर पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट मोर डिफरेंशिएट होती है एल्गी से, लेकिन 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 ट्रू रूट स्टेम लीफ यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, एबसेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ट्रू रूट स्टेम और ये यहाँ पे भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट मोर डिफरेंशिएटेड देन ऑफ एल्गी, थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स। राइजॉइड्स होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे रूट नहीं होते लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीफ के बाद एक पॉइंट और आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे हैव रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट की तरह लीफ की तरह स्टेम की तरह इनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेन प्लांट बॉडी की बात करोगे इनकी तो हैप्लॉइड होती है, क्लास में डिस्कस हो चुका है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है जो क्या करती है, गेमीट बनाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेन प्लांट बॉडी को गेमिटोफाइट। इसका मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गेमिटोफाइट होता है, और याद रखेंगे इंडिपेंडेंट होता है, मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गेमिटोफाइट होता है और इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और याद रखेंगे स्पोरोफाइट क्या करता है, डिपेंड करता है बेटा, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट में जिसको डिफरेंस है, डिप्लॉइड वाले को स्पोरोफाइट कहते हैं, हैप्लॉइड बॉडी को क्या कहते हैं, गेमिटोफाइट, जो गेमिट बनाती है गेमिटोफाइट, स्पोर बनाती है स्पोरोफाइट, ठीक है। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स मल्टीसेलुलर होते हैं, याद रखेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्के गोनियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्के गोनियम होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होती है फ्लास्टेप होती है, फ्लास्टेप होती है और क्या बनाती है, एग बनाती है, क्या बनाती है, एग बनाती है, जबकि मेल क्या बनाता है, बायफ्लेजलेट एंथ्रोजाइट्स बनाता है, क्या बनाता है, एंथ्रोजाइट्स, ठीक है। ये जो गेमिट आपको दिख रहे हैं हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड बॉडी से बन रहा है और हैप्लॉइड गेमिट बन रहा है तो माइटोसिस के थ्रू बन रहे होंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। स्पेगनम, स्पेगनम एक एग्जांपल में बात कर रहे हो, स्पेगनम एक मॉस है, ये इसका ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आई आई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉरी ई आई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, प्रोवाइड करता है पीट, पीट बताया था, स्पॉन्जी मास होता है, किसके लिए यूज करते हैं, ट्रांसशिपमेंट के लिए, फ्यूल की तरह यूज करते हैं क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके पास, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से एक और सुन लेंगे, रेड एल्गी के लिए भी सवाल आता है, इसमें मैं डालना भूल गया, कहाँ गया, रोडोफाइसी में, इसमें कैराजीन, कैराजीन CARR, कैराजीन, ठीक है। कैराजीन क्या होती है बेटा, रेड एल्गी होती है, कैराजीन क्या होती है, रेड एल्गी से बनाया हुआ एक हाइड्रोकोलाइड होता है, जैसे एल्जिन हाइड्रोकोलाइड है वैसे कैराजीन भी क्या है, हाइड्रोकोलाइड है, कैराजीन भी हाइड्रोक्लोराइड है, कौन बनाती है, रेड एल्जी बनाती है, एल्जीन कौन बनाता है, ब्राउन एल्जी बनाता है। आगे बढ़ रहे बेटा, ब्रायोफाइट्स में दो कैटेगरीज है, लिवर वॉर्ट्स और मॉसिस, लिवर वॉर्ट्स और मॉसिस। प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वॉर्ट इज थैलॉइड, ठीक है, थैलॉइड होती है, डॉर्सी वेंट्रली क्लोजली अप्रेस्ड, ठीक। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्या होता है, गैमा होता है, गैमा बता दिया था, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल पॉड्स होते हैं, एसेक्सुअल या आपको बताया था कि फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, मार्चेंट या विशेष। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका ऑलरेडी एक्सप्लेन है, किसी को डाउट है तो एक बार आप अपना क्या नाम है उसको, नोट्स को खोलेंगे, ठीक है।
नोट्स को खोलेंगे, मैं नोट्स को एक बार डिक्टेट कर देता हूँ कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओवरऑल क्या नाम है, फंजाई में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉरी क्या नाम है इसका, मोस इसमें क्या नाम है, ब्रायोफाइट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है सुनते रहेंगे ध्यान से, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिवर वॉट्स में दो चार पॉइंट सुन ले, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आता हूँ, पहले एक्सप्लेनेशन ही सुन ले ध्यान से, सब ध्यान सुनेंगे इस पर, ठीक है। लिवर वॉट और मोस दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। देखो गैमेटोफाइट क्या है, एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम, एंथ्रीडियम बनाएगा एंथ्रोजोइट, आर्केगोनियम क्या बनाएगा आपका एग, ठीक है। एग और क्या नाम है एंथ्रोजोइट दोनों फ्यूज करेंगे ऑब्वियसली, और दोनों क्या है गैमेटोफाइट बॉडी से आ रहे हैं, ठीक है, दोनों फ्यूज करेंगे क्या बनेगा जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बारे में सुन लेंगे, स्पोरोफाइट जो होता है बेटा वो डिपेंडेंट होता है किस पे, गैमेटोफाइट पे, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, यहाँ पे फ्री लिविंग कौन होता है गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, स्पोरोफाइट के अंदर कौन होती है बेटा स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल में स्पोरिंग मियोसिस होती है, स्पोर्स बनता है, एज इट इज आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, जिसपे नहीं लिखा हुआ लिख लेगा, या आपके नोट्स में लिखा हुआ है, स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू प्रोटोनेमा एंड प्रोटोनेमा बताया था, ये किसमें होती है प्रोटोनेमा बनती है सिर्फ और सिर्फ किसमें मॉसेस में, लेकिन अगर हम बात करें लिवर वॉर्ट की तो क्या होगा स्पोर्स जब जर्मिनेट करती है तो सीधा क्या बन जाएगा एक नया गैमेटोफाइट बन जाएगा, फिर से सुन लेंगे गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में कौन कौन होता है एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया हैप्लोइड स्ट्रक्चर से एंथ्रोजॉइड और एग बनाएंगे, एग और एंथ्रोजॉइड फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से एसएमसी, एसएमसी से स्पोरिक मियोसिस होके आपका जो है जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन स्पोर्स का होने के बाद क्या बनेंगे सीधा गैमेटोफाइट, इसको कहते हैं लिवर वॉर्ट्स का साइकिल, मोसिस का साइकिल सुनोगे, जहां हमारा इसका मोसिस का साइकिल एक्सप्लेन करो फिर से सुनोगे, मैं अगेन साइकिल ही बोलता हूँ पूरी, ठीक है आप लोग बस कंसंट्रेट करके सुनेंगे, आप लोग कंसंट्रेट करके सुने ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चलो सुनेंगे ध्यान से, ठीक है मैं बोल रहा हूँ लिवर वॉट्स के बारे में, ठीक है लिवर वॉट्स के बारे में बोल रहा हूँ, लिवर वॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो लिवर वॉट्स में जो साइकिल चलती है वो मैंने क्या बताया कि गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट से एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया एंथ्रीडिया बनाएगा एंथ्रोजॉइट, आर्किगोनिया बनाएगा एग, दोनों फ्यूज करेंगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से एसएमसी, एसएमसी में स्पोरिक मदर मियोसिस होगी, स्पोरिक मियोसिस स्पोर बनाएगा और स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा गैमेटोफाइट, ये किसका साइकिल होगा लिवर वॉट्स का, ये किसका साइकिल होगा लिवर वॉट्स का, अभी इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए मोसिस के बारे में, किसके बारे में मोसिस के बारे में, मोसिस में क्या होता है गैमेटोफाइट एंथ्रीडिया आर्किगोनिया एंथ्रोजॉइड एग बनाएंगे, फ्यूज करके जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस होगी तो स्पोर बनेगा, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देगा प्रोटोनेमा बना देगा, क्या बना देगा प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर ले, या प्रोटोनेमा से क्या बनता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा एक बर्ड के फॉर्म में अपीयर होता है, बर्ड क्या करता है फिर दोबारा गैमेटोफाइट बनाता है, इतना ही चेंज होता है बस, एक प्रोटोनेमा इंटरमीडिएट स्टेज आ जाती है मोसिस, क्लियर हो गया होगा आपको, आपको मोसिस और ब्रायोफाइट, ठीक है इतना ही डिफरेंस होता है, आगे मूव कर रहे हैं हम लोग, आगे मूव कर रहे हैं चलेंगे ध्यान से, मोसिस में यही बातें लिखी हुई है कि प्रोटोनेमा होती है विच डायरेक्ट स्पोर से आती है और फिर उसके बाद स्पोर ये कैसा स्टेज होती है प्रोटोनेमा क्रीपिंग, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, प्रोटोनेमा क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं, इसके बाद स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट होता है, स्पोरोफाइट थोड़ा सा इलेबोरेट होता है, आपको बताइए दिया सेकेंडरी प्रोटोनेमा वगैरह का फॉर्मेशन होता है, इसलिए स्पोरोफाइट थोड़ा सा इलेबोरेट होता है लिवर वॉट से, ठीक है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि मोसिस में दो स्टेजेस बता दोगे कौन कौन सी है, तो एक आप बता दोगे प्रोटोनेमा स्टेज और एक होती है लीफी स्टेज, एक प्रोटोनेमा और एक लीफी स्टेज, ठीक है क्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फेग्नम इसका एग्जाम्पल है, स्फेग्नम प्रोवाइड सीड, बताइए दिया पीछे टेरिडोफाइट्स बता क्या थे, क्या थे अच्छा ऊपर वाले एम्ब्रियोफाइट थे कि नहीं थे, तो थे आंसर क्या होगा थे सर, एम्ब्रियो बन रहा है ना भाई अभी बताया एम्ब्रियो बन रहा था, ठीक है जाइगोट से एम्ब्रियो बना था तो एम्ब्रियोफाइट्स तो है, ब्रायोफाइट से लेके नीचे आर के क्या नाम है एंजियोस्पर्म तक सबके सब एम्ब्रियोफाइट तो है, ठीक है सुनते रहेंगे, टेरिडोफाइट आपके वेस्क्यूलर प्लांट्स है, ठीक है वेस्क्यूलर प्लांट से क्या क्या आते हैं हॉस्टेस और फंस आते हैं इनके अंदर, हॉस्टेस और मेन प्लांट बॉडीज की स्पोरोफाइट होती है यानी कि डिप्लॉइड होती है, डिफरेंशिएट होती है टू रूट स्टेम और लीफ में, ठीक है इनको भी वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन तो चाहिए टेरेस्ट्रियल के, लेकिन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन तो इन्हें भी चाहिए, लीफ टेरिडोफाइट में छोटा भी हो सकता है, स्मॉल है तो माइक्रोफिल बोलेंगे, लार्ज है तो मैक्रोफिल बोलेंगे, लार्ज फर्म में होता है, सेलाजिनेला में क्या होता है स्मॉल होता है, फिल का मतलब बताया जाता है लीफ होता है, स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया इन सम केसेस स्पोरोफाइल मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिला या कोन्स, बताया था अगर स्पोरोफाइट जो है ठीक है स्पोरोफाइट क्या होता है स्पोरोफाइट के पास स्पोरेंजिया होता है जो जिसके अंदर क्या बनता है स्पोर बनता है, ठीक है अगर उसके आसपास वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है
रहता है, जैसे बोलते हैं स्पोरोफिल, ठीक है। हाँ, तो स्पोरोफिल क्या बनाता है, अगर डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे कहते हैं स्ट्रोबिलाई। किसके से बनाता है, सेलाजिनेला इक्विस्टम, दो इक्विस्टम। दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, दो एग्जाम्पल किस में याद रखेंगे आप, पेरिडोफाइट्स में, जो क्या जहाँ क्या बनता है, स्ट्रोबिला या कोन, जिम्नोस्पर्म में तो भरे हुए, यहाँ पे याद रखेंगे सेलाजिनेला और इक्विसिटम, सेलाजिनेला और इक्विसिटम, ठीक है। इसके अलावा मेजोरिटी ऑफ पेरिडोफाइट्स ऑल ऑल स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल बताया था, सेलाजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, अजोला, ठीक है। सेलाजिनेला आप दो याद रखें, सेलाजिनेला साल्विनिया, जो आपके काम आने वाला है, सेलाजिनेला साल्विनिया। इसके अंदर क्या होता है, हेटरोस्पोरस कंडीशन होती है, एक छोटा एक बड़ा, लार्ज वाले को माइक्रो कहते हैं, स्मॉल वाले को माइक्रो कहते हैं, ठीक है। आगे मूव कर रहे हैं, टेरिडोफाइट फर्दर क्लासिफाइड होता है बेटा चार क्लासेस में, साइलोटम, साइलोप्साइडा में याद रखोगे, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, लाइकोप्साइडा, स्पेनोप्सिडा, इक्विसिटम, ठीक है। हो गया, तो होती क्या है, हॉर्सटेल होती है। इक्विसिटम में एक और बताया, स्ट्रोबिलाई दिखता है, क्या दिखता है, स्ट्रोबिलाई। टेरोप्साइडा की बात करोगे तो टेरिस और ट्रैपटेरिस याद रखोगे, एडियंटम, एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। एक नंबर में सवाल आ सकता है, इनमें से कौन सा वॉकिंग फर्न है, और वॉकिंग फर्न किसे बोलते हैं, एडियंटम को कहते हैं, ठीक है। एडियंटम, एडियंटम क्या है आपका, वॉकिंग फर्न, ठीक है, वॉकिंग फर्न, ठीक है। इसके अलावा साइकल्स की बात करोगे, इनमें साइकल्स अगेन वही वाला कहानी जो पीछे जाकर क्या था, मैं आपके जो है नोट्स का एक और पिक डाल दूंगा अभी, ठीक है। जो साइकिल्स हैं इनका एक बार जो आपकी क्लास नोट्स में पढ़ाया था, सेम अलग कुछ अलग नहीं है इनके अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सीड हैबिट का याद रखोगे आप लोग, इनमें सीड हैबिट दिखा गया था बेटा, ठीक है। सीड हैबिट का पॉइंट याद रखेंगे, सीड हैबिट क्या था, सीड हैबिट बताया था आपको कि अच्छा होते क्या है, वेस्कुलर होते हैं कि नॉन वेस्कुलर होते हैं, अगर ये पूछ रहे हैं तो वेस्कुलर होते हैं, वेस्कुलर होते हैं लेकिन सीडलेस होते हैं, वेस्कुलर होते हैं लेकिन सीडलेस होते हैं, ठीक है। हाँ, मैं बताया था सीड हैबिट, प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, ठीक है। इसका मतलब क्या था, जाइगोट फॉर्म्ड, जाइगोट क्योंकि मेन प्लांट बॉडी के ऊपर बना था, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको कि सीड हैबिट का प्रीकर्सर, ठीक है। यानी यहाँ पे सीड हैबिट तो आ गई थी, ठीक है। एनसीईआरटी से ध्यान से देख लेंगे, नोट से एक बार देख लेंगे सीड हैबिट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। जिम्नोस्पर्म के बारे में सुन लें, जिम्नोस्पर्म में एक तो एंडोस्पर्म ही याद रखेंगे बेटा, यहाँ पे हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म याद है, मैं आपको क्लास में जब नारियल पानी पढ़ा रहा था, है ना, कोकोनट, टेंडर कोकोनट बता रहा था, तो उस टाइम बताया था एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन वो क्या होता है, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म, वो फ्रूट था ना, तो फ्रूट किसमें बनता है, एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, ये याद रखेंगे। जबकि जबकि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। जिम्नो मतलब नेक्ड होता है बेटा, नेक्ड सीड होती है इसके अंदर, ठीक है। जाइंट रेडवुड ट्री सीक्वियल, लार्जेस्ट, ठीक है, सॉरी टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज सीक्वियल, लार्जेस्ट, याद रखेंगे, रेडवुड ट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेटरोस्पोरस होते हैं, यानी एक माइक्रोस्पोर बनता है छोटा और एक बनता है मेगास्पोर, मेगा वाला फीमेल होता है, एक हाँ मेगा वाला फीमेल होता है बेटा, मेगा वाला फीमेल होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। इसके अलावा साइकोस्पाइनल, जिंको, सेड्रस, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे, याद रखेंगे, सुनते जाएंगे, मैं दो चार बातें और बोल रहा हूँ। क्या, जेरोफाइटिक कंडीशन में रहते हैं जिम्नोस्पर्म, यानी सूखा एरिया जहाँ पे होता है, जहाँ पे पानी कम है, उस एरिया में आपको जिम्नोस्पर्म मिलेंगे, ठीक। तो इसके लिए एडेप्टेशन क्या क्या होती है, इनके पास, इनके पास लीफ के ऊपर क्यूटिकल होता है, ठीक, क्यूटिकल ऑन लीफ। दूसरा स्टोमेटा संकन होता है, संकन स्टोमेटा, वेल अडेप्टेड रूट होते हैं, वेल अडेप्टेड या वेल डेवलप्ड रूट्स होते हैं। वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि जाइलम फ्लोएम इनके पास प्रेजेंट होता है। सारे के सारे हेटरोस्पोरस होते हैं, आर्किगोनियस, यानी आर्किगोनिया इनके पास भी प्रेजेंट होता है। सेक्स ऑर्गन विजिबल होते हैं, तो इसलिए इन्हें फेनेरोगैम्स भी कहते हैं। बताया था आपको सेक्स ऑर्गन आपका विजिबल होना और वो फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिप्लॉन्टिक, चलो डिप्लॉन्टिक पे तो मैं वर्ड आ जाऊंगा, जाइंट रेडवुड ट्री सीक्वे आप याद रखेंगे, ठीक है। इनके पास जनरली कौन सा रूट होता है, टैप रूट, टैप रूट अब आपको क्लियर होगा, पढ़ा चुका हूँ, टैप रूट होता है इनके पास। इसके अलावा कोरालॉइड रूट आपसे पूछेगा किसके पास होता है, कोरालॉइड किस में होता है बेटा, सी से याद रखोगे, साइकस में होता है, कोरालॉइड किस में होता है, साइकस में होता है। इसके अलावा माइकोराइजल एसोसिएशन किस में होता है, पाइनस में। माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसमें देखने को मिलेगा, पाइनस में देखने को मिलेगा। स्टेम्स अगर ब्रांच बात करें तो ब्रांच और अनब्रांच, या तो ब्रांच होगी या तो अनब्रांच होगी, ब्रांच किस में होती है, पाइनस और सेट्रस में, पाइनस और सेट्रस में, अनब्रांच किस में होती है, साइकस में। लीव्स की बात करोगे तो सिंपल और कंपाउंड, डिफरेंस आप अच्छे से जानते हो, सिंपल क्या होती है, जिसको आप इनसाइज करो लेकिन लेमिना तक इंसिजन ना है, कंपाउंड कौन सी होती है, इंसिजन टच द मिडरिब, ठीक है, मिडरिब को टच कर जाए, ठीक है। कंपाउंड का एग्जांपल याद रखेंगे, कंपाउंड में पिनेट किस में देखा जाता है, साइकस में देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब बोल रहा हूँ इसको याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का प्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, मेल और फीमेल यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का प्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। अगेन इसका भी साइकिल मैं आपको डाल दूंगा, तो एक बार गो थ्रू कर लेंगे, जिसको दिक्कत है वो पूछ लेगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म में ऐसा डिटेल डिस्कशन हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, तो इससे बात करने का भी फायदा नहीं है। बाकी इन केस अगर कुछ पूछा जाता है तो आप याद रखें कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वोल्किया होता है। एंजियोस्पर्म का मतलब मैंने डिटेल आपको बता ही दिया था, एंजियोस्पर्म में मोस्टली चीजें, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में एक पॉइंट याद रखें कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है, अगर आपसे ऐसा पूछे
तो याद रखेंगे एंजियोस्पर्म का फीचर है, बाकी ऐसे एंजियोस्पर्म में आपसे अभी कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। साइकस और पाइनस का एक डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो साइकस पाइनस में बहुत सारे पॉइंट्स बताए देते हैं, आपको क्लास में भी लिखवा रखा है, एक बार उसे गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, देख लो सुन लो ध्यान से। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ज्यादातर लाइफ जो होती है वो हैप्लॉइड में जाती है, ज्यादातर लाइफ क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, जैसे एल्गीज में देखा तो वो उसे कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो लाइफ साइकिल में दो ही फेज आती है बेटा, अल्टरनेशन और जनरेशन। मेटाजेनेसिस के बच्चा पूछ रहा था तो सुन ले यहीं से बेटा, मेटाजेनेसिस मतलब मेटाजेनेसिस तो नहीं बोलेंगे, यहाँ से अल्टरनेशन और जनरेशन शुरू हो गया, ठीक है। अल्टरनेशन और जनरेशन का क्या मतलब होता है, यानी जनरेशन बार बार चेंज होना। जनरेशन चेंज क्या क्या हो सकती है, या तो हैप्लॉइड जनरेशन बनेगी या तो डिप्लॉइड बनेगी, ठीक है। हैप्लॉइड जनरेशन को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड जनरेशन को कहते हैं बेटा आपका गेमिटोफाइट, और डिप्लॉइड को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लो डिप्लॉन्टिक, तीन तरीके की लाइफ साइकिल होती है प्लांट की। हैप्लॉन्टिक का मतलब मेजर पार्ट जो दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, ये क्या है, हैप्लॉइड है, देख लो ना, स्पोर्स, गेमिटोफाइट, गेमिटोजेनेसिस, फिर यहाँ पे जाइगोट बना, वो डिप्लॉइड है। अभी पिंक वाला देख लो डिप्लॉइड, यानी डिप्लॉइड वाला पार्ट ज्यादा होगा, तो ये किसमें दिखता है जनरली, डिप्लॉइड वाला जो है ज्यादा है, ये किसमें मिलेगा आपको जनरली, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में मिलेगा, ठीक है। इतना ही पूछा जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, जिस जिसमें देखा जाता है वो एज इट इज लिखा हुआ है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और प्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा जाता है। प्यूकस क्या है, एल्गी है स्टिल, तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो एल्गी प्यूकस जो है उसमें डिप्लॉन्टिक देखा जाता है। इसके अलावा हैप्लो डिप्लॉन्टिक आधा अधूरा, मतलब थोड़ा बहुत टाइम, मतलब बराबर बराबर होगा, हैप्लो और डिप्लो जो है लगभग लगभग बराबर होगा, ठीक है। एग्जैक्ट बराबर मत कर देना, 50-50, लगभग लगभग बराबर होगा। साइकिल देख के नाम लिखने को आ सकता है या एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तो इसमें आते हैं, इसके अलावा कुछ एल्गी जैसे कि केल्प्स, केल्प्स कौन सा एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी, एक्टोकार्पस कौन सा, ब्राउन एल्गी, पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी, ठीक है। ये सभी सीमा पे खत्म हो गया चैप्टर, एनिमल किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। एनिमल किंगडम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इस पे बात कर दी गई थी, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, इस पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। जर्म लेयर तीन हो सकती है, सॉरी तीन होती है, क्या क्या, एक्टो, एंडो, मीजो। अगर सिर्फ दो है, एक्टो और एंडो है, तो क्या बोलोगे, डिप्लोप्लास्टिक। अगर एक्टो एंडो मीजो है, नोट देख लोगे इसके लिए फटाफट से, इसमें कोई ऐसा मेरा बात करने वाला कुछ भी नहीं है। 11 चल रहा है बेटा, 11 चल रहा है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, और डिप्लोब्लास्टिक बता दिया था कहाँ से कहाँ तक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नोट देख लोगे इसके लिए, इसके लिए यहाँ कोई बात करने की जरूरत है नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन क्लोज हो सकता है, ओपन का मतलब क्या होगा, सिर्फ हार्ट होगा, ब्लड वेसल वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लोज में बता दिया था, क्लोज में क्या होगा, हार्ट होगा एज वेल एज ब्लड वेसल्स वगैरह की सप्लाई होगी, ठीक है। सीलम, बॉडी कैविटी, प्रेजेंट होगा दो सीलोमेट, एबसेंट होगा एक सीलोमेट, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, क्लास नोट्स के लिए प्रेफर करोगे इसके लिए, इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, जैसा क्लास में बताया बस वही इसका तरीका है, ठीक है। मोनेरा यहाँ पे बात कर रहे थे, सिमेट्री भी, रेडियल और बाइलेटरल, अगर किसी भी प्लेन में डालो और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, रेडियल सिमेट्री, सिर्फ एक ही प्लेन तो बाइलेटरल सिमेट्री, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलीफेरा में स्पॉन्जेस होते हैं, जनरली मराइन होते हैं, फ्रेश वाटर, मोस्टली एसिमेट्रिकल, फिक्स होता है, एसिमेट्री होती है इनके अंदर, ठीक है। ऑस्टिया, ऑस्किलम वाला सिस्टम बताया था, वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा कॉलर सेल्स होते हैं, इनके पास डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, साइकॉन, स्काइफा कहते हैं उसको, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, और जो नहा के आया है वो टू है, यू स्पॉन्जिया, याद रखेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनमें कैसे होती है, इंटरनल होती है, डेवलपमेंट इंडायरेक्ट, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर, और डेवलपमेंट इंडायरेक्ट का मतलब बीच में और भी कुछ इंटरमीडिएट स्टेज होगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा इनके पास, ठीक है। सीलन ट्रेटा की बात करोगे, इन्हें नाइडीरिया भी बोला जाता है, सीलन ट्रेटॉन बताया था, सीलन ट्रॉन कैविटी होने की वजह से इन्हें सीलन ट्रेटा कहते हैं, नाइडीरिया इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि नाइडोब्लास्ट सेल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, नेम डेराइव फ्रॉम नाइडोब्लास्ट, एंडोब्लास्ट नहीं बेटा, नाइडोब्लास्ट, कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमाटोसाइट्स कहते हैं इसे, ठीक है। सिंगल ओपनिंग होती है माउथ को, हाइपोस्ट्रोम कहते हैं, हाइड्रेस का एग्जाम्पल बता ही रखा है आपको, स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है, कोलर, कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स बीसी का एग्जाम्पल है, स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इनके स्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, दो बेसिक फॉर्म होती है, पॉलिप मेडुसा, डिटेल डिस्कशन दे रखा है पॉलिप और मेडुसा के बारे में, मेरे ख्याल अब आपको पॉलिप मेडुसा में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मेटाबोजेनेसिस का डाउट था बेटा, वो यही है बेटा, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, दोनों ही डिप्लॉइड फेज होती है, लेकिन याद रखना इसलिए इसको ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहते, इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है लेकिन ट्रू नहीं है, तो इसको मेटाजेनेसिस नाम देते हैं। पॉलिप से मेडुसा क्या है, पी एम याद रखोगे एसेक्सुअली, और एम से पी सेक्सुअली बनता है, ठीक है। इसके अलावा टेनोफोरा में बात कर लिया था, इनको सी वॉलट्स कहते हैं, कॉमजेरीज कहते हैं, एट एक्सटर्नल रोज होती है सीरेटेड कॉम्प्लेट्स की, जो कि स्मेल करके लोकोमोशन में। बायोलुमिनेसेंस की बात करोगे तो प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, इसी को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। किसमें देखा जाता है, टेनोफोर्स में देखा जाता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, एक्सटर्नल होती है, ठीक है। फ्लोरोब्रैकेट टेनोप्लेना इसका एग्जाम्पल है, याद रखोगे एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीरेटेड कॉम्प्लेट्स, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम्पल तो बेटा सारे यहाँ पे भी याद रखेंगे, नाइडीरियन से पोर्टुगीज से, ये सब आपको रटा हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, ये एक एक बच्चे को याद है, तो इसीलिए मैं इस पर इतना ना
चल रहा हूँ थोड़ा सा। फ्लैट एलिमेंट्स पे देख लोगे, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया ऑस्मो रेगुलेशन ये काम आता है, ठीक है। फ्लेम सेल्स जो होते बताया था, यही आपका एक्सेलेशन का काम करेगी और वही आपका ऑस्मो रेगुलेशन कराएगी। प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फ्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होती। तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वा स्टेज बोलोगे। प्लेनेरिया हाई रीजनरेशन कैपेसिटी रखता है, इसी का एग्जाम्पल है। टेपवर्म, लिवर फ्लू, ठीक है, याद रखोगे। ठीक, एस्केलमेंथिस के यहाँ क्या है, एस्केलमेंथिस का मतलब राउंड वर्म्स है। तो बताया था इसमें एक क्या था, फीमेल जो होती है लॉन्गर फीमेल से, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट आया था, याद होगा आपको। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेयरिंग्स होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है। एनलिडा की बात करोगे तो एनलिडा में क्या था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एएसी बताया था। एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स में सेगमेंटेशन देखी जाती है। सीधा याद रखेंगे, वो सब कीवर्ड्स आपको बता रखे हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं। प्रोसेस लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, इसलिए आपको रिविजन का टाइम दिया था दिन में, कि आप ये सब पॉइंट्स को कम से कम याद रखें। विच हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल। नीरिस याद रखेंगे, नीरिस और अर्थवर्म में डिफरेंस बता दिया था। नीरिस आपका डाइजेस्ट होता है, अर्थवर्म और लीच वगैरह क्या होता है, मोनोशेस होता है। डाइजेस्ट का मतलब सेक्सेस सेपरेट होती है, मोनोशेस का मतलब सेक्सेस सेपरेट नहीं होती, एक ही बॉडी के अंदर होती है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, लीच, नीरिस, अर्थवर्म, यहाँ पे एस्केरिस और विच एरिया बताया था, फिलेरियल वर्म, आपका कौन सा बीमारी कॉज करता है, एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस, ठीक है। इसके अलावा हुक वर्म याद रखेंगे। आर्थ्रोपोडा पे आओगे, लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं इसको, दुनिया भर के इंसेक्ट इसी के अंदर भरे हुए। इनका एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन बता रखा है आपको, बाहर की तरफ एक्सो, अंदर की तरफ एंडो। स्केलेटन किससे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, ठीक है, बताइए सर। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं, इसीलिए इसको क्या था, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड का मतलब, आर्थ्रो का मतलब जुड़ा हुआ, पोड का मतलब पैर, ठीक है। तो जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं, इसीलिए आर्थ्रोपोडा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, साइटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनके पास। एक्सक्रीशन मालपिजन टिब्यूल से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है मालपिजन टिब्यूल्स कहाँ पे होते हैं, तो एक्सक्रीशन के लिए आर्थ्रोपोडाज में होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं बेटा, डाइजेस्ट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल देखा जाता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। प्रॉन, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एपिस हनी बी बॉम्बिक्स, मतलब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं, एपिस हनी बी बॉम्बिक्स सिल्वम लेसिफर लैक इंसेक्ट। वेक्टर की तरह कौन कौन, एनोफिलस क्यूलस, एनोफिलस किसका होता है, मलेरिया का, ठीक है। एडिस आपका मॉस्किटो, ये भी क्या होता है, वेक्टर भी होता है। ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा बता दिया था, लिविंग पॉजिन और लाइमयूज, ठीक है। लिविंग पॉजिन क्या है, लाइमयूज, स्किन क्रैप करते हैं। मोलस्का की बात करोगे तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट आपका आर्थ्रोपोड आता है, ये सब जो बात है ये भूलने की बात है नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है बेटा आपका, मोलस्का। मोलस्का की बॉडी कैलकेरियस शेल से बनी हुई है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है, जो क्या बनाती है, मेंटल बनाती है, मेंटल ओवर विसरल हम, ठीक है। फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्टिंग ऑर्गन, जिसे कहते हैं रेडुला, ठीक है। इसमें बात कर दिया था, बाकी जो बेसिक पॉइंट्स है कि सिमेट्री क्या होती है, सब इसीलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। एप्पल, स्नेल, फॉल लॉबस्टर, तीन चार एग्जाम्पल तो आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स आपको पांच पांच छह छह पॉइंट्स सब में लिख के आने, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आप जानते हैं, रेडुला यहाँ पे मेंटल हो गया, इसके अलावा बॉडी सिमेट्री क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब देखो। ये चार पांच पॉइंट किसी को कुछ याद नहीं है, तो कम से कम ऊपर वाला तो याद ही है सबको, ठीक है। इसीलिए एकाइनोडर्मेटा की बात करो तो एंडोस्केलेटन होता है, एकाइनोडर्म्स कहते हैं, कैलकेरियस ऑसिकल से। एडल्ट एकाइनोडर्म्स में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि एडल्ट में रीडल होती है और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके पास होता है, इनका डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। एक्सेक्यूटिव सिस्टम इनके पास एब्सेंट होता है, सक्सेस सेपरेट होती है। एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे इसके, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, प्रोबोसिस ग्लैंड बताया था, इनके पास सेक्रेटरी ऑर्गन होता है, इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स इसके लिख लेंगे। स्टोमोकॉर्ड होता है इसके पास, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। बलेनोग्लॉसिस, सेकोग्लॉसिस की बात कर लेंगे, ठीक है। कॉर्डेटा में बताया था, सारे कॉर्डेटा जो होते हैं वो वर्टिब्रेटा नहीं होते, लेकिन सारे वर्टिब्रेटा क्या होते हैं, कॉर्डेटा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया था, इसके अलावा बाकी यहाँ पर रिविजन की मेरे ख्याल जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। बस ये एक याद रखना कि कॉर्डेटा क्या होता है बेटा, फाइलम को कहते हैं। इसके अंदर सब फाइलम कौन कौन सी आती है, ठीक है, ये बस पूछता है कि इनके अंदर सब फाइलम कौन कौन सी आती है, या यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा क्या है, सब फाइलम, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे रिवर्स प्रोसेस में। वर्टिब्रेटा के अंदर दो डिवीजन होती है, एक नेथा जिनके अंदर जॉ जॉ नहीं होती है, और ग्रैनथोस्टोमा जिनके पास जॉ होती है। ग्रैनथोस्टोमा इसमें देखो, ग्रैनथोस्टोमेटा में, ठीक है, क्या आती है, सुपर क्लास आती है, कितनी, दो सुपर क्लास आती है, कौन कौन सी, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस में क्लास कौन कौन सी आती है, कॉन्टेक्ट थाइस और ऑस्टिक थाइस। टेट्रापोडा में कौन कौन सी क्लास आती है, एम्फीबिया, जिनके चार पैर ऑब्वियसली, टेट्रापोडा इसलिए उन्हें बोल रहे हैं, लिम्स होते हैं, ठीक है, मूव करने के लिए, और पाइसेस के पास फिन्स होती है, सेकंड सी बात है। तो पाइसेस में आपको बताया था कॉन्टेक्ट थाइस, कॉन्टेक्ट सी से याद रखोगे कार्टिलेज, और ऑस्टिक का मतलब ही क्या होता है, बोन, हड्डी, ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे। बाकी साइकिलो का मतलब बताया था, साइकिल मतलब सर्कुलर माउथ, सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है। 6 से 15 पेयर गिल सेट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फिशेस पे, बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन्स होती है, ठीक है। पेट्रोमाइजोन, मिक्सिंग, हैग फिश, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे इसका। ये मैंने आपको क्लास में कई बार बताया, फॉल्स फिश और ट्रू फिश, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, रटने की जरूरत नहीं है, बस गो थ्रू कर लेना, दिमाग में रखना कि कौन कौन सी होती है। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमिलिया, इनको डिस्कशन करने का मेरे ख्याल जरूरत नहीं। मॉर्फोलॉजी,
मैं अभी बोल रहा हूँ, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस था, तो इसको हम टच भी नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से खत्म है। किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। एस्टिमेशन वगैरह सब कुछ बता दिया, स्टैंडर्ड विंग कील ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। क्लास में आपको वो भी बता दिया गया था कि जैसे आपको एग्जाम्पल से याद रखें, ठीक है। कोकोनट में इधर सुन लेंगे, मैंगो एंड कोकोनट ड्रूप का एग्जाम्पल होता है, ठीक। ये फ्रूट थोड़ा सा सुन लेंगे, फ्रूट में पेरिकार्प, और पेरिकार्प को फ्रूट वॉल कहते हैं, पेरिकार्प फ्रूट वॉल को कहते हैं, ओवरी वॉल से बन के आती है, ठीक है। इसके अलावा ड्राई हो सकता है, ड्राई में ग्राउंड नट और मस्टर्ड एग्जाम्पल याद रखते हैं, फ्लैशी में गुआवा मैंगो ऑरेंज, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। जो फ्लैशी फ्रूट होता है, फ्लैशी में एपिकार्प मीजोकार्प एंडोकार्प, ठीक। एपिकार्प मीजोकार्प और एंडोकार्प, ये तीनों डिफरेंशिएट हो सकते हैं। सीड में सीड कोट एम्ब्रियो, दो बातें होती है, ये भी सुन लेंगे, सीड सुनी रहे तो सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड कोट में एक बाहर का लेयर होती है, एक इनर वाली लेयर होती है। बाहर वाली को टेस्टा कहते हैं, बाहर वाली छोटी याद रखना, टेस्टा छोटा है ना, और टेगमेंट अंदर वाली, टेस्टा टेगमेंट, टेस्टा टेगमेंट, बाहर टेस्टा अंदर टेगमेंट। ये किसकी लेयर है बेटा? सीड का कोट है। सीड के कोट में दो लेयर होती है, देखो सीड का कोट है, एक बाहर की तरफ और एक इसके अंदर की तरफ। तो अंदर वाली को टेगमेंट, बाहर वाली को टेस्टा, टेस्टा और टेगमेंट याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या होता है? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और कॉटिलेडन होता है। कॉटिलेडन अगर एक है तो मोनोकॉट बोलेंगे, टू है तो डाइकॉट बोलेंगे। देखो यहीं से बन के आता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के पास कॉटिलेडन, एम्ब्रियो के पास जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वो क्लास में, ये क्या स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ठीक है। तो ये और ये क्या था? कॉटिलेडन, और ये क्या था? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ऊपर की तरफ फ्लोयम, नीचे की तरफ रेडिकल, ये वाला, ठीक है। रेडिकल और फ्लोयम, ये रूट सिस्टम, ये शूट सिस्टम, खत्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे याद रखेंगे मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज से आने वाले को भी ड्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं, ठीक है। आर वन सीटेड, वन सीटेड होती है तो इसे ड्रूप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रूप रूट, ड्रूप रूट, ड्रूप। कोकोनट विच आर ऑल्सो ड्रूप, क्या होता है? इसमें मीजोकार्प फाइबरस होता है, लेकिन मैंगो में मीजोकार्प कैसा होता है बेटा? फ्लैशी होता है। ये डिफरेंस होता है मैंगो और कोकोनट में। मैंगो में, मैंगो में हम लोग क्या खाते हैं? मीजोकार्प, और कोकोनट में हम लोग एंडोस्पर्म को खाते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म खाते हैं, पीते हैं, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। आउटर मोस्ट सीड कोट बताई दिया, टेस्टा और सेगमेंट। हाइलम स्कार होता है, याद होगा हाइलम बताया था, जिस पॉइंट से फ्यूनिकल जुड़ा हुआ होता है उसी पॉइंट को कहते हैं स्कार। क्लास पे ध्यान दें, आप सभी उल्टी सीधी चीजों में ध्यान नहीं देते, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपको कंसंट्रेट करके सुनना है, ठीक है। सम सीड्स सच एज कैस्टर एंडोस्पर्म फॉर्म एज रिजल्ट डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन वर्ड बार बार बता दिए, सिर्फ सिर्फ एंजियोस्पर्म का फीचर होता है। अगर आपसे सवाल भी आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी पूछ सकता है एंजियोस्पर्म्स में या कोकोनट में, तो ट्रिप्लॉइड बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, एलिडोन लेयर मैंने आपको बताया था ट्रिप्लॉइड होता है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे, एक पॉइंट और सुन लेंगे आप, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन होता है ना, ये पॉइंट वो है जो पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है। मोनोकॉट में क्या होता है? सिंगल कॉटिलेडन होता है, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन, डाइकॉट में दो कॉटिलेडन। तो सिंगल कॉटिलेडन को बेटा स्क्यूटलम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्क्यूटलम, ठीक है। इनके पास भी प्लम्यूल और रेडिकल होता ही है, ठीक है। कॉटिलेडन को ही स्क्यूटलम कहते हैं, लेकिन सिंगल कॉटिलेडन को कहते हैं, ठीक है। प्लम्यूल और रेडिकल एनक्लोज शेथ इन कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल जो है कवरिंग है बेटा, जैसे ये मान लो रेडिकल है और ये सर मान लो प्लम्यूल है, ये नीचे रेडिकल, तो प्लम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है, प्लम्यूल को कवर करने वाला कौन होता है? कॉलियोप्टाइल, और इसको रेडिकल को कवर करने के लिए कौन होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉलियोराइजर। इतना आप लिख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपको बता ही दिया था। पर प्लस वाला क्या होता है? प्लस वाला एक्टिनोमॉर्फिक, ये जाइगोमॉर्फिक, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम। गायनोशियम अगर ये नीचे है बताया था, ये सुपीरियर का एग्जाम्पल है, ये इंफीरियर का एग्जाम्पल है। ये अगर कैलिक्स क्या नाम ये बताया था, कोरोला से जुड़ा हुआ है, कोरोला से जुड़ा हुआ तो क्या बोला था? कोरोला से जुड़ा हुआ है, कोरोला से जुड़ा हुआ है, कोरोला से जुड़ा हुआ तो बताया था ना आपको, एपिपेटलस और ये वाला एपिपाइलस, याद रख लेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग सेल निपटा दें, ठीक है। इससे पहले सेल निपटा देते हैं, ठीक है, तो देन हम स्ट्रक्चर और फिर इस पर थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। देख लेंगे बेटा, सेल, सेल को डिस्कवर करने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक। सेल को डिस्कवर करने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक। एवी ल्यूबेन हुक ने पहला सेल देखा था, शेल्डन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। ये सब पॉइंट थोड़ा सा जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि कल ही हमने एक बार सेल दोबारा कवर किया था, है ना। हम इसको थोड़ा सा जल्दी ले सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल में बताया था, साइटोप्लाज्म आपका मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज होता है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है, अभी भी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर का साइज होता है, नर्व सेल आपकी लॉन्गेस्ट सेल होती है, आरबीसी राउंड और बाइकन की होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है उसका शेप कैसा होता है? अमीबॉइड शेप होता है। शेल्डन एंड शॉर्न ने टुगेदर सेल थ्योरी दिया था, और सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था? रेडॉल्फ वर्कों ने, रेडॉल्फ वर्को, ओमनी सेलुला, ई सेलुला, 2019 का सवाल। इसके अलावा सेल थ्योरी के पॉइंट्स याद रखेंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने? सेल से बने हैं सारे, और जो सेल बनते हैं, नए सेल बनते हैं, वो किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, बेटा मेरे को नीड लगेगा कि जोकर्स बताना आपको, तो मैं बता देता हूँ ऑटोमेटिकली, ठीक है। जो पेपर में नहीं आना उसके बारे में क्यों सरकार हो अपना, ठीक है।
या तो वो क्लास में होना चाहिए था ये सब सुनने के लिए, ठीक है। ये तो क्लास की बातें होती है, कल पेपर और आज आप जोकर जोकर खेलो तो हमारे काम करनी होती है, ठीक है। चलिए सुनिए ध्यान से, आगे आप जो समझे इसको, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में बता दिया था बैक्टीरिया बोलो प्रोकैरियोट बोलो मोनेरा बोलो एक ही बात है, बीजीएन माइकोप्लाज्मा एंड ऑल सब इसके अंदर। माइकोप्लाज्मा बता दिया था, माइकोप्लाज्मा के बारे में स्पेशल क्या बताया था, सबसे छोटा सा यही होता है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर का साइज होता है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, इसके अलावा एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। कोई बोले एरोबिक में करेगा तो बोलोगे हाँ करेगा, लेकिन एनारोबिक में भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सेकंड, ठीक है, सेल वॉल सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल, ये सब वही बातें जो मोनेरा में आप पढ़ के आ रखे हैं। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, ये सब मैं अगर अभी बता रहा हूँ तो फिर वेस्ट है, ठीक है। सेल एनवेलप और मॉडिफिकेशन में बात कर दी गई थी, सेल एनवेलप अगर उसमें मैंने दिखा दिया था आपको, बैक्टीरिया में 3 लेयर होता है ना, क्या क्या था, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। फ्लैजेला पे बात करी था, फिलामेंटस एक्सटेंशन होती है, रिंग्स, बेसल, तीन बातें बताई ना आपका, बेसल बॉडी बताया था, हुक और फिलामेंट, ये तीन बातें होती है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा पिलाया और फेम्ब्रिया मैंने बताया था, ये क्या होता है, सरफेस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनका कोई रोल मोटिलिटी में नहीं होता, मोटिलिटी में सिर्फ दो का ही रोल होता है, फ्लैजेला और सीलिया का, ठीक है। सीलिया की बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी प्रोटिस्टा में करके आ चुके हैं। फिलाई किससे बना हुआ है, फिलियन प्रोटीन से बना हुआ है, फेम्ब्रिया किससे बना होता है, फाइबर से बना होता है, ठीक है। इसके अलावा रॉक्स और स्ट्रीम से अटैच करने में कौन हेल्प करेगा, रॉक्स और स्ट्रीम से अटैच करने में कौन हेल्प करेगा, तो यही पिलाय और फिम्बरे हेल्प करते हैं, पिलाय और फिम्बरे। मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा, तो फ्लैजेला, अगर 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 मूवमेंट की बात आएगी तो फ्लैजेला हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान से सुन लेंगे, मीजोसोम के बारे में सारे फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कि एक्सटेंशन होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके, इसके फंक्शन क्या होते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पायरेशन, आपका सिक्रीशन प्रोसेस, ये सारे काम करवाता है, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल होना क्या डिटरमाइन करता है, सेल वॉल के बारे में बता दिया था, ये क्या करता है, शेप बताता है, शेप, शेप डिटरमाइन करता है, रिजिडिटी करता है, ठीक है, सेल में ये सारे काम करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमीएबल होती है, डबल है आपका बायलिपिड लेयर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेलेक्टिवली परमीएबल होता है। इसके अलावा प्रोटीनेशियस बताया था, दो तरीके के प्रोटीन आप याद रखेंगे, ग्लाइको प्रोटीन, सॉरी, एक सरफेस प्रोटीन होते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, और एक क्या होता है इंटीग्रल प्रोटीन, जिनको निकालना मुश्किल है, इंटीग्रल है जो सरफेस पे है वो निकालना आसान है, पेरीफेरल प्रोटीन बोलेंगे। फ्लैजेला में तीन कॉम्पोनेंट बता दिया, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, फिलामेंट सबसे लंबा पार्ट होता है, फिलामेंट सबसे लंबा पार्ट होता है। राइबोसोम पे आ जाएंगे, राइबोसोम आपका 70S 80S, अगर यूकेरियोट्स की बात करेगा तो 80S और प्रोकेरियोट्स की बात करेगा 70S। राइबोसोम की दो सबयूनिट होते हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर, लार्जर एक स्मॉलर, साइज क्या होता है 15 से 20। अगर बात करेगा प्रोकेरियोट में लार्जर वाली कौन सी है और स्मॉलर कौन सी है, तो 50 और 30, 50 और 30, कोई बच्चा जोड़ेगा नहीं, क्लास में समझा रखा है जोड़ते क्यों नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी है प्रोटीन बनाने की, ठीक है। एस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका फीडबॉक्स यूनिट रिप्रेजेंट करता है। अगर बहुत सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए से अटैच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में सवाल आ सकता है या दो नंबर में, पॉलीजोम किसे कहते हैं, पॉलीराइबोसोम किसे कहते हैं, सिंगल एमआरएनए से अगर बहुत सारे राइबोसोम एसोसिएटेड है, मेनी राइबोसोम्स ऑन या सेवरल राइबोसोम्स मे अटैच टू सिंगल एमआरएनए, याद रखेंगे एक लाइन में। इन्फ्यूजन बॉडीज नॉन मेम्ब्रेनस होती है, कहाँ पे होती है, स्टोरेज के लिए होती है, प्रोकैरियोट के अंदर, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या बताते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ठीक है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, तीनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, तीनों लिखते हैं। सेल वॉल के बारे में बात कर रही था, आपका सेल वॉल क्या होता है, रिजिडिटी देता है, अभी भी बताया था कि एल्गी का और सबका सेल वॉल अलग अलग मटेरियल से बना होता है। एल्गी का किससे, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनस, इन सब चीजों से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसी की वॉल में होता है, जबकि बाकी प्लांट्स में सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन होती है, ठीक है। पहले प्राइमरी वॉल बनती है, देन प्राइमरी वॉल क्या होती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, लेकिन सेकेंडरी वॉल क्या होती है, इनर साइड में बनती है और इसमें रिजिडिटी आ जाती है, प्राइमरी में रिजिडिटी आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल मतलब दो सेल वॉल के बीच में, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल, इसके बीच में क्या बताया था, मिडल लैमेला, इसके बीच में क्या है, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला किससे बनाता है, आपका कैल्शियम पैक्टेट से बनाता है। सुनोगे ध्यान से, अगर कोई बोलेगा दो सेल्स, प्लांट सेल में दो सेल कैसे कनेक्ट होते हैं, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल, तो दो सेल के बीच में प्लाज्मो डेस्माटल कनेक्शन होते हैं, क्या होता है बेटा, प्लाज्मो डेस्माटा, प्लाज्मो डेस्माटा किसके लिए होता है बेटा, तो साइटोप्लाज्म लिंकेज के लिए, साइटोप्लाज्म को लिंक करने के लिए प्लाज्मो डेस्माटल कनेक्शन होते हैं, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, अभी बात कर रहे हैं, लिपिड कैन शो फ्लिप फ्लॉप लेकिन प्रोटीन कैन नॉट, काजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड बता दिया था, ठीक। काजी फ्लूइड का मतलब लेटरल मूवमेंट, आगे पीछे लेटरल मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है भाई, डिफ्यूजन वगैरह, ठीक, ऑस्मोसिस वगैरह कराएगा। इसके अलावा सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कराता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी लगेगी एक्टिव, जिसमें पैसिव, पैसिव में दो, एक सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और आपका फैसिलिटेटेड, सिंपल डिफ्यूजन बता देता था ना, एनर्जी ना आपका प्रोटीन, पैसिव में क्या बताया था, सॉरी फैसिलिटेटेड में, कि इसमें एटीपी तो नहीं लगेगी लेकिन आपका प्रोटीन लगेगा, एक्टिव में एनर्जी एज वेल एज, ये पॉइंट्स याद रखेंगे, ठीक है। अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर, हाई से लो की तरफ, अगेंस्ट मतलब लो टू हाई जा रहा है, ठीक है।
लो टू हाई जा रहा है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, खत्म हो गया। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम चार चीजों से बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीवी यानी गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ठीक है। सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, सारे सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का, आरईआर और एसईआर फंक्शन आपको डिस्कस कर दिया गया था, ठीक है। एक बार नोट्स जरूर रीड कर ही लेंगे, मैं इसको अभी ग्रुप में डाल दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। डिवाइस क्या करता है, इंटरसेलुलर आपका स्पेस को दो कंपार्टमेंट में, एक ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम होता था, जिसके सरफेस पर राइबोसोम होगा उसे आरईआर बोलेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा, और जिसके सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट है उसे क्या बोलेंगे, एसईआर बोलते हैं, और वो लिपिड सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि मेजर साइट कहाँ पे होता है लिपिड सिंथेसिस का, तो आपका आरईआर होता है। स्टेरॉयडल हार्मोन्स कहाँ पे बनती है, स्टेरॉयडल का मतलब लिपिड से एसोसिएटेड हार्मोन्स, ठीक है, कहाँ बनती है, एसईआर में बनती है, ठीक है। राइबोसोम याद रखेंगे प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक के बाद गॉल्जी की बात करो तो कमाइलो गॉल्जी की वजह से इसका नाम पड़ा है, ठीक है। फ्लैट मेम्ब्रेनस डिस्क स्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा सिस्टर्ने यहाँ पे भी होती है बेटा, सिस्टर्ने यहाँ पे भी होती है, ठीक है। सिस्टर्ने यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, बताया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मान लो प्रोटीन बनाया, तो प्रोटीन पैकेजिंग के लिए कहाँ पे चला जाएगा, गॉल्जी अपैरेटस में। सिस और ट्रांसफेज में डिफरेंस बताया था, सिस फेज फॉर्मिंग फेज कहते हैं, सिस फेज फॉर्मिंग फेज होता है, कन्वेक्स फेज होता है, सिस कन्वेक्स फेज, सिस कन्वेक्स फॉर्मिंग, तीनों याद रखेंगे। यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा, बाहर कहाँ से आएगा, ट्रांस से, बाहर कहाँ से आएगा, ट्रांस से। ट्रांस को मेच्योरिंग या कंकेव फेज भी कहते हैं, याद रखेंगे। दोनों फेज कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं, ठीक है। कंकेव और कन्वेक्स दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, पैकेजिंग, पैकेजिंग पैकेजिंग का काम कर रहा है बेटा, या तो इंट्रासेलुलर टारगेट्स या तो सिक्रेटेड आउटसाइड, मतलब बाहर भेजने के लिए भी अंदर के लिए भी, दोनों काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट्स आपको बना के आना है। एक लास्ट पॉइंट ये बार बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, कहाँ पे बनते हैं आपके, गॉल्जी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। इसके अलावा लाइसोम पे बात कर दिया था, प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग से बनते हैं, गॉल्जी बॉडी पैक करके बनाता है इन्हें। इनमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला, कार्बोहाइड्रेट फैट को तोड़ने वाला, मतलब लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला न्यूक्लिक, सारे एंजाइम होते हैं। ऑप्टिमली कहाँ पे कौन से पीएच पे एक्टिव होता है, ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है। केस पे सवाल पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। वैक्यूल की बात करेंगे तो वैक्यूल में एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का नाम जरूरी है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती है, टोनोप्लास्ट के बारे में बता दिया था, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मोस्टली मेम्ब्रेन क्या करती है, टूवर्ड या अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती है, टोनोप्लास्ट अगेंस्ट काम करता है। वैक्यूल की बात करेंगे तो वैक्यूल प्लांट सेल में लगभग 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एनिमल सेल की बात करोगे तो छोटा होता है या एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में जल्द मैक्सिमम स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है, तो वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। बाकी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, अभी मैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बता रखा है आपको, ठीक है। बाकी प्रोटिस्टास में आपका फूड वैक्यूल, प्रोटिस्टास में फूड वैक्यूल एंड आपको गैस वैक्यूल बता था कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पर डिस्कशन दे दिया था, मेमेलियन आरबीसी, हमारे आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। और प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होता, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है तो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। सॉसेज शेप होता है, डायमीटर की बात करो तो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, ठीक, एवरेज 0.5 बोल सकते हो आप, ऑब्वियसली इसका प्लस करके 2 से डिवाइड मारो तो कुछ नहीं आएगा। 1 से 4.1 माइक्रोमीटर का लेंथ होता है, लेंथ का मतलब लंबाई, अगर ऐसे देखोगे तो लेंथ की जो बात करो, ये जो है ये लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, तो लेंथ 4 माइक्रोमीटर के आसपास इसका। आगे आओगे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, खास बात है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन का मतलब एक आउटर और एक इनर, एक आउटर इनर दोनों के बीच में स्पेस होता है, इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर कंपार्टमेंट अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ क्या बराबर, मैट्रिक्स बराबर, अंदर की तरफ क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बराबर। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, इनर अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है, क्या होती है, इनफोल्डिंग। इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टा, सी क्रिस्टा, वहाँ याद रखेंगे ऊपर गॉल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ने होती है, यहाँ पे क्रिस्टा होती है, यहाँ पे क्या होती है, क्रिस्टा होती है, ठीक है। क्रिस्टा के ऊपर क्या लगा होता है, ऑक्सीजोम, क्रिस्टा के ऊपर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजोम या एफ नॉट एफ वन पार्टिकल, जो एटीपी फॉर्मेशन कराते हैं। क्रिस्टा पे कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये क्रिस्टा बता, ये क्या है, एक क्रिस्टा बना रहा हूँ मैं, ये क्रिस्टा, ये क्या है, क्रिस्टा, क्रिस्टा के ऊपर कौन लगे होते हैं इस तरीके से, ऑक्सीजोम, ये कौन लगे हैं, ऑक्सीजोम, ये कौन लगे हैं, ऑक्सीजोम, ये कौन लगे हैं, ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम क्या कराएंगे, एटीपी सिंथेसिस कराएंगे, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का तब रिएक्शन भी लिख दिया था क्लास के अंदर, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि डीएनए सॉरी एटीपी सिंथेसिस कराएगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम इसके पास होता है लेकिन 70S होता है। राइबोसोम को ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी बोला जाता है, क्योंकि खुद ऑर्गेनल है लेकिन एक ऑर्गेनल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल किसे कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। डिवाइड बाय फ्यूजन, बार बार कह रहा हूँ, डिवाइड बाय फ्यूजन, बैक्टीरिया भी फ्यूजन से डिवाइड करता है, ये भी फ्यूजन से डिवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट में भी सिमिलर चीजें होंगी, इसमें लेंगे प्लास्टिड तीन तरीके का, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरो क्रोमो ल्यूको। क्लोरो की बात करोगे तो क्लोरोफिल बियरिंग,
ठीक है, क्लोरोफिल बियरिंग, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, डिटेल में भी इसकी स्टडी कर दी है। क्रोमप्लास्ट की बात करूंगा तो फैट सॉल्युबल होते हैं, याद रखें क्रोमप्लास्ट फैट सॉल्युबल होते हैं, केराटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रोमप्लास्ट में अलग अलग तरीके के रेड, येलो, ऑरेंज। रेड किसकी वजह से आता है जनरली? रेड या ऑरेंज कलर केराटिन की वजह से आता है। आपको याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना रेड, ऑरेंज, येलो, इस तरीके के कलर जो आपको दिखते हैं, जैसे मिर्ची लाल कलर के दिखते, टमाटर लाल कलर का दिखता है, तो ये क्रोमप्लास्ट की वजह से दिखते हैं। ठीक है, बाकी ग्रीन जब तक वो दिखते हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से दिखते हैं। ठीक है, यानी कहना ये चाहता हूँ क्लोरोप्लास्ट से ही क्रोमोप्लास्ट बनता है, क्लोरोप्लास्ट से ही क्रोमोप्लास्ट बनता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड को कहते हैं। पूछेगा कलरलेस प्लास्टिड कौन से होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करती है? अब कलर वगैरह तो है नहीं, कलरलेस है, तो स्टोरी कर लेते हैं भाई, स्टोर कर लेते हैं किसको? अमाइलो, तीन तरीके के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलो बताया था कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है, इलायो फैट को, और एल्यूरो प्रोटीन को। एल्यूरो वर्ड हमेशा प्रोटीन के लिए आता है, इसको याद रखें। अमाइलो हमेशा कार्बोहाइड्रेट के, तो दो तो ऐसी याद नहीं है, इलायो याद रखना, फैट ऑयल ऑयल को स्टोर करती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का अगर मैं शेप की बात करूँ तो लेंस शेप होगा, ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट, हर प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा, हमें याद रखना। हो सकता है किसी सेल में सिर्फ एक हो, ठीक है, या दो, 20 से 40 भी हो सकता है एक ही सेल के अंदर, जैसे कि मीजोफिल। अगर क्लेमाइडोमोनास की बात करोगे, याद करो एल्गी की बात कर रहा है, क्लेमाइडोमोनास तो एक होगा, एक क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर वही मीजोफिल सेल्स की बात करोगे जो हायर प्लांट में होते हैं, तो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर देखा जा सकता है। डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक है, इनर वाला याद रखना, इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, अंदर वाला यहाँ पे हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में हो, परमिएबिलिटी क्या होती है? कम होती है बाहर वाले से। बाहर वाले की परमिएबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। बाहर वाले की परमिएबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। अंदर वाले की परमिएबिलिटी क्या होती है? रिलेटिवली लेस होती है। ठीक है, स्पेस लिमिटेड बाय इनर, यानी अंदर की तरफ, ये बाहर वाला सबसे बाहर मेम्ब्रेन, इसके अंदर सेकेंड, इसके अंदर जो जगह ये वाली, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इसको कहते हैं स्ट्रोमा। इसी के अंदर आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है, क्या होता है इस तरीके से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये क्या होता है बेटा? ग्रैनम। क्या होता है? ग्रैनम। इसके अंदर होता है ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर होता है। ठीक है, ग्रैनम। ग्रैनम के एक एक सेगमेंट को क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। ठीक है, थाइलेकॉइड सारा अरेंज स्टैक, यानी आप ऐसे समझ लो एक इसके ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का, ये सिक्के लगा रखे हैं। एक सिक्को क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड अरेंजिंग स्टैक, स्टैक का मतलब फाइल्स, कॉइन के फाइल्स की तरह, कॉल्ड ग्रैनम। तो एक ग्रैनम का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे ग्रैनम होते हैं तो इसलिए ग्रैना बोलते हैं, बहुत सारे ग्रैनम को क्या कहते हैं? ग्रैना। और थाइलेकॉइड के अंदर, तो थाइलेकॉइड अगर आप देखोगे, थाइलेकॉइड यहाँ देख लो, थाइलेकॉइड ये है, थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड भी अंदर जब खोलोगे तो ऐसा दिखेगा डबल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर जो स्पेस है इसको कहते हैं ल्यूमन, इसके अंदर खाली स्पेस है इसको कहते हैं ल्यूमन, थाइलेकॉइड के अंदर। ठीक है, और थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है इसी पे क्लोरोफिल लगा होता है, क्लास में भी दिखा रखा है क्लोरोफिल कहाँ लगा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे आपको। बाकी एटीपी सिंथेसिस यहाँ पे भी होता है, याद रखेंगे। इसके पास भी छोटा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम 70S होता है, याद रखेंगे। राइबोसोम स्मॉलर होता है देन साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक वाला कौन सा होता है? 80S। यूकेरियोट में सर 70S राइबोसोम होता है? अरे हाँ होता है, इतनी देर से दिखाता रहा हूँ बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है राइबोसोम, उसमें भी होता है क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस मतलब इनके पास अपना डीएनए ना, तो खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो सेमी ऑटोनोमस, खुद को चला पा रहे हैं, क्योंकि अपना 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 न्यूक्लिक एसिड है, अपना डीएनए मॉलिक्यूल है, कैन फॉर्म देयर रिक्वायर्ड प्रोटीन, क्योंकि अपना राइबोसोम है, अरे अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, दो पॉइंट याद रखना काफी। ठीक है, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिए, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स पे थोड़ा सा पार्ट बन जाएगा वहाँ। चलो, साइटो स्केलेटन बेटा देखो मूवमेंट के लिए होते हैं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या होते हैं? मूवमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, राइबोसोम मैंने बात कर दिया, दो यूनिट्स होती है, एक छोटी एक बड़ी। ठीक है, 70S 30S, ये तो मिले, जैसे 70S राइबोसोम में 50S और 30S होता है, 80S में 60S और 40S होता है। एस अच्छे से याद रखेंगे, क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट होता है, प्रोटीन बनाने की एफिशिएंसी, डेंसिटी वगैरह को मेजर करता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। साइटोस्केलेटन देख लेंगे, नंबर ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक, कलेक्टिव रेफर टू एज साइटोस्केलेटन। किस में हेल्प करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं बेटा, जितने भी साइटोस्केलेटन अभी अभी मैं बोलने वाला हूँ सब, या तो मोटिलिटी में रोल प्ले करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल एंड ऑल, ये सारी चीजें। ठीक है, यानी सीलिया फ्लैजेला भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स के अंदर ही आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, मोटिलिटी देंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे, शेप एंड ऑल, ये सारी चीजें, जैसे मैंने बताया अभी बॉडी मूवमेंट, तो वो भी किसकी वजह से? साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो जनरली वो किसकी वजह से होता है? साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या नाम है, सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। सीलिया फ्लैजेला जैसे होती है ना, फिर ट्यूब होती है पूरा, इसको ऐसा कट करोगे यहाँ से तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, एक व्यू लिया हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डायरेक्ट कटते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन ये व्यू है बेटा। ठीक है, ये प्रोटीनेशियस रिंग्स होती है जो ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं, पेरिफेरल का मतलब बाहर की साइड,
और ये अंदर का मतलब सेंटर सेंटर माइक्रोटिब्यूल्स। माइक्रोटिब्यूल्स किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है, ठीक है। माइक्रोटिब्यूल्स बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ देखो एक दो इसको हम कहते हैं डबलेट बेटा, दो 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 के बने हैं ना, दो दो के जुड़े हुए हैं तो डबलेट रिंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं डबलेट। और बीच में क्या है? दो सिंगलेट। तो बाहर की तरफ नौ है ना डबलेट, नौ डबलेट और दो बीच में क्या है? सिंगलेट। बीच में क्या है? सिंगलेट। ये जो बाहर निकल रही है जो इसको इस शर्त से जोड़ रही है, सेंट्रल शर्त, ये लाल वाली सेंट्रल शर्त है, इससे जोड़ने वाली होती है रेडियल स्पोक। क्या होती है? रेडियल स्पोक। ये अंदर की तरफ ये जो आ रही है ब्लू कलर की रेडियल स्पोक, ठीक है। और इनके बीचों बीच जो ये दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसे कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। इसे क्या कहते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं दो डबलेट के बीच का लिंकेज या ब्रिज, ठीक है। सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल ये है एक और दो, तो 9 + 2 इसे क्या लिखते हैं बेटा? 9 9 + 2 अरेंजमेंट। तो कोई भी पूछे सीवियर फ्लैजेला का अरेंजमेंट क्या होता है, तो 9 + 2, 9 बाहर की तरफ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 अंदर की तरफ, एक और 2, ठीक है। 9 + 2 अरेंजमेंट होता है सीवियर फ्लैजेला का, 9 + 2 अरेंजमेंट, इतना याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, इसको दिमाग में रखेंगे सीवियर फ्लैजेला का। सुनेंगे हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ऑब्वियसली सेलिया सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क लाइक ओअर्स। ओअर्स का मतलब जो तैरते हैं, हेयर्स की तरह, सॉरी ओअर्स नहीं हेयर्स बोल सकते हो आप। फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, ऑब्वियसली बताया था पहले कि ये थोड़े से लंबे होते हैं, सेल मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक। कोर, कोर को कहते हैं एक्सोनियम, कोर को कहते हैं एक्सोनियम प्रोसेसिंग नंबर ऑफ, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एक्सोनियम। ये क्या है? एक्सोनियम, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, एक्सोनियम प्रोसेसर नंबर ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, जिसके ऊपर क्या है? माइक्रोटिब्यूल्स, ये भी माइक्रोटिब्यूल्स स्ट्रक्चर, ठीक है। रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, माइक्रोटिब्यूल्स जैसे ऊपर से तो ऐसी दिख रही है ना, ये ऐसी होती है बेटा, एक ये टोटल ऐसे 13 13 का बना होता है, 1 2 3 4 ऐसे चारों तरफ ऐसे समझ लो सर्कल बना हुआ, पूरा क्या है सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसे लगी हुई है, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। 9 पेयर्स ऑफ डबलेट होती है रेडियल रेंज, है ना, पूरे फिक्स रेडियस ऐसे नहीं आगे पीछे, ठीक है। तो 9 पेयर डबलेट की होती है अरेंज पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब साइड पे, बिल्कुल साइड की तरफ है, बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ पेरिफेरी पे है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं पेरिफेरल। इसके अलावा बाकी सेंट्रल पे कौन सी होती है? सेंट्रल पे सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोटिब्यूल्स, तो 9 + 2 एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल, कहाँ से आती है? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, सेंट्रियोल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है बेसल बॉडी, जहाँ से कौन निकल गया था? सीलिया और फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला याद करो, वहाँ पे भी बैक्टीरिया में भी बेसल बॉडी बताया था, ठीक है। तो ये है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है बेटा, ठीक है। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। सेंट्रियोल में ना ये जैसे यहाँ डबलेट है ना, वहाँ पे एक और रिंग आ जाती है, यहाँ पे ऐसे समझो ट्रिपलेट, वहाँ पे क्या जाता है ट्रिपलेट। जैसे मान लो मैं नाम देता हूँ ए, ठीक है, तो मान लो इसको मैंने नाम दे दिया, लेट सपोज ए, ठीक है, ये वाला क्या हो गया बी, ठीक है। इसके अलावा एक और आ जाती है तीसरी, उसको कहते हैं सी, तीन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है ट्रिपलेट्स होती है, टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के अंदर कैसे होती है? एक ऐसे लगी होती है और एक ऐसे परपेंडिकुलर होती है, बताया हुआ आपको परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरिसेंट्रुलर मटीरियल, इसका मतलब क्या होता है? अमॉर्फस का मतलब, अमॉर्फस पेरिसेंट्रुलर मतलब एग्जैक्ट कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके बाहर। सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल होती है वो इस तरीके से होती है, एक ये रही और दो ये, ठीक है। कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टविल का मतलब इस तरीके से चक्की की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 ऐसे 9 वहां पे भी होंगे। यहाँ पे 9 + 0 अरेंजमेंट होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है 9 + 0, 9 + 0, ठीक है। यानी सर बाहर की तरफ क्या होती है ट्रिपलेट रिंग होती है, ए बी सी, 3 3 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके कर 9 लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे दो दो का है ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 करके 9, ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके 9 होती है, तो इसको कहते हैं 9 + 0। बीच में कुछ नहीं होता, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं होता, 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल्स होती है। इसके अलावा ईच ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल माइक्रोट्यूबुल्स इज अ ट्रिपलेट, क्या होता है ट्रिपलेट, एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड, जैसे वहाँ पे लिंकर्स है ना, यहाँ पे लिंकर्स लगे हुए इंटर डबलेट, तो वहाँ पे इंटर ट्रिपलेट लिंकेज होता है, यहाँ पे इंटर ट्रिपलेट लिंकेज होता है। और सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं? हब। सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड हब, वहाँ पे सेंटर में कोई यहाँ पे इस तरीके से जैसे लगा हुआ ये नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा प्रोटीन का पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं हब। किसमें? जब हम सेंट्रीजोम की बात करते हैं, किसकी? सेंट्रोजोम की। तो याद रखना सीलिया फ्लैजेला में 9 + 2 अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे 9 + 0 अरेंजमेंट होता है। माइक्रो बॉडीज की अगर बात करेंगे तो सिंपल याद रखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रो बॉडीज, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लाइऑक्सीजोम पेरोक्सीजोम याद रख सकते, ये सब आपके स्पेरोजोम भी है, स्पेरोजोम,
एक्सपेरिमेंट को प्लांट लाइफ जोन बोला जाता है, माइक्रो बॉडीज कहते हैं। न्यूक्लियस की बात करेंगे, पहला डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने, स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज, ठीक है, कुछ एसिडिक डाइज होती है कुछ बेसिक डाइज होती है, बेसिक डाइज से इनको स्टेन किया और इनका नाम क्या रखा, क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमा वर्ड आता है कलर के लिए, तो कलर दे रही थी ब्लूइश कलर, तो फ्लेमिंग ने नाम रखा क्रोमैटिन। नॉर्मली क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है पर सेल, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो आप बोलते हो किसको, आपका यूकेरियोट, अगर एबसेंट है तो ऑब्वियसली हम बात ही नहीं करते, तो वो प्रोकेरियोट का सेल हो जाता है। मैच्योर सेल्स में जैसे कि आप बात करोगे एरिथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी में बता रखा है, सी ट्यूब सेल्स होती है बेटा प्लांट्स में, इनमें क्या होता है एबसेंट होता है ये ई न्यूक्लियेटेड, ठीक है, ये क्या होता है ई न्यूक्लियेटेड होते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको ऐसे कुछ पॉइंट अभी याद नहीं रखना, ठीक है, जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको सुनिए। क्रोमैटिन क्या होता है, आपका डीएनए, ठीक है, सब बेसिक प्रोटीन्स होती है, हिस्टोन्स या नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती है, या आपके सेल के अंदर ही होता है, आपके सेल में डीएनए भी होता है आरएनए भी होता है, सारी बातें होती है, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, देखो क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी न्यूक्लियर फ्लूइड को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन आपका स्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्रोमोसोम की बात करोगे, इससे सवाल आ सकता है, टाइप ऑफ क्रोमोसोम, चार तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है बेटा, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीरोसेंट्रिक, इस तरीके का मान लो मैंने बना दिया, इस तरीके का मैंने बता दिया। अब ये क्या होता है, सेंटर पे, सेंटर पे बता रखा आपको क्या होता है, सेंट्रोमियर, 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 सेंटर पे क्या होता है, सेंट्रोमियर, जो दो क्रोमेटिड को जोड़ के रखता है, ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, तो दोनों क्रोमेटिड के बीच में जो होता है उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर अगर बिल्कुल बीच में है तो उसको कहते हैं मेटासेंट्रिक, मिडल सेंट्रोमियर, क्या है, सेंट्रल मिडल, दो इक्वल आर्म्स बनती है, ठीक है, ऊपर इक्वल और नीचे इक्वल, ऊपर इक्वल नीचे इक्वल, इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा भी स्लाइटली अबव या बिलो है, थोड़ा भी ऊपर या नीचे है, तो सब मेटासेंट्रिक, क्या है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ऊपर या नीचे होना चाहिए, सर ऊपर या नीचे होना चाहिए, एक शॉर्टर एक लॉन्गर बन जाएगा। एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ऊपर की तरफ आ गया, थोड़ा ज्यादा ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है, उसे क्या कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, बिल्कुल ही टिप पे आ गया, टर्मिनल, टर्मिनल, उसे कहेंगे टीरोसेंट्रिक, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ आपका सेल पोर्शन, ठीक है, मैं 20 मिनट से 25 मिनट, ठीक है, या हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का ब्रेक ब्रेक ले रहे हम लोग, ठीक है, ब्रेक है, ब्रेक है, ब्रेक है, ब्रेक है, 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तब तक आप लोग खाना वाना खा ले, ठीक है, आप लोग भी 30 मिनट बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं तो अभी नहीं करता हूँ, 30 मिनट्स का हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, 30 मिनट्स के बाद हम लोग मिलेंगे यहीं पर, ठीक है, 30 मिनट्स के बाद मिलेंगे हम लोग, पहले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम टिश्यूज पे आ जाएंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन खत्म करेंगे, फिर टिश्यूज पे आ जाएंगे, ओके। सो अभी कोई गुड नाइट नहीं कर रहा है, तब तक आप लोगों का नेट भी रिव्यू हो जाएगा, आ जाएगा दोबारा से, ठीक है, ओके। सो हम लोग 30 मिनट के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।